राधे श्याम को सुबह हाँ। खड़ा होने जा रहा है भैंस बेच के हाँ, अच्छा। एक बार आप लोग शांति पूर्वक से उनको जिता दिया जाए, अगला बार गाय बेचे इस बार भैंस बेच के चुनाव लड़ लेंगे। इससे आगे का भी कुछ उम्मीद है कि आप जो है मुख्यमंत्री का चुनाव बेचेगा तो घर बेच के लड़िएगा? नहीं घर बेचेंगे कब, हम अगर 30-40 साल से जीत जाए तो हम दावा पेश कर सकते हैं मुख्यमंत्री का या कोई मंत्री का। अगर हम 1000 वहाँ पर भी तो इंटरव्यू है ना, और मान लीजिए जो लड़का फर्स्ट डिवीजन करेगा जो 30-40 हजार से जीतेगा हाँ। कोई 1000 से जीता तो 1000 वाला अगर मंत्री का जो दावा करेगा हाँ। तो उसको वहाँ पर नहीं चलने देंगे हाँ। नहीं चलने देंगे नहीं। 40 हजार से हम जीत के आए, 1000 वाला कैसे आगे बढ़ जाएगा हाँ। पहला आपके प्लाक में भैंस 50 हजार में बेचेंगे हाँ। 1 लाख रुपया जिंदा आश्वासन दिया है जो हम कनेक्शन लेके आपको 1.5 लाख से इलेक्शन के कलेक्शन करके इलेक्शन में उतार लेंगे। 5 गो बॉडी गार्ड लेते हैं, जब गाड़ी से उतरते हैं तो आगे बॉडी गार्ड, पीछे बॉडी गार्ड, दाएं बॉडी गार्ड, बाएं बॉडी गार्ड। अरे जो आदमी अपना सुरक्षा खुद को नहीं कर पा रहा है हाँ। वो जनता के सुरक्षा क्या करेगा? घंटा और पीछू एक आदमी को नौकरी देंगे हाँ। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। बिहार में जब पंचायत का चुनाव होता है तो जिला परिषद नाम करके एक जो है पद के लिए जो है इलेक्शन लड़ा जाता है, जिसमें जो है तकरीबन कई सारे पंचायत शामिल होती। अभी बिहार में सरकार बदल गई, फिर से जो है नीतीश कुमार पर जो है लोगों ने भरोसा किया, नीतीश कुमार राजद के साथ चले गए। मोदी जी के लिए अब जो है बिहार में बाहर वाली सिचुएशन नहीं है। हमारे साथ जो है एक पूर्व जिला परिषद के प्रत्याशी जिन्होंने अपना गाय बेच कर जो है जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था, और अब जो है उम्मीद कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में तो इनको शामिल नहीं किया क्योंकि विधायकी लड़े नहीं, मगर उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये विधायकी लड़ेंगे। नाम है इनका राधे श्याम जी। तो राधे श्याम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ, आप फिर से जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं जी। हाँ तो बोलिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि सरकार तो नीतीश जी का फिर से आ गया, मोदी जी को धोखा दे दिए, तलाक 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 चल गया वहाँ, तो क्या लग रहा है कि आपका जो सपना है विधायकी बनने का, विधायक बनने का, वो कैसे संपन्न होगा? देखिए, इसमें बड़ी बात यह है जो हमारे सरकार जो है ना, जो 9 या 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये हो सकते हैं तो 2 महीना बाद फिर बीजेपी में मिलके 10 बार भी बन सकते हैं, समझे? तो ये सरकार तो केवल जो है से मुख्यमंत्री बनने के कोशिश में लगे हुए हैं। 2 बार बन जाए, 3 बार बन जाए, 5 साल में 4 बार बन जाए, इनको 16 बार पुराना है, 15 बार पुराना है, लेकिन अब इनको यहीं से कहानी ख़त्म है। आप कौन मुख्यमंत्री होगा? आप मुख्यमंत्री तो देखिए, आने वाले समय में तो लगता है देहात में जैसे बातचीत चल रहा है हाँ। वो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी 70 वर्ष सिमट गई है, सबसे बड़ी पार्टी राजद बन गई, मुख्यमंत्री कहाँ से बीजेपी का? 2025 में 2025 में हमको लगता है जो बीजेपी ही मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, तो आपका विधायकी लड़ने का क्या इरादा? हमारा इरादा यह है जो यहाँ 50 साल का हमार उम्र है, 40 साल से हम यही यहाँ देखते आ रहे हैं, जो यहाँ खाली बाजपट्टी प्रखंड में पार्टी का ही विधायक जीतते हैं ठीक है, और जनता भरोसा करके उनको जिता देते हैं, वो जीत के चले आते हैं, और जब जीत के यहाँ से जाते हैं तो जनता उनको कहते हैं जे जाइए एमरी 5 साल में सरकार का क्या क्या फंड है वो वहाँ से पता लगा के आइए, वो फंड वहीं छोड़ देते हैं और 5 गो पता लगाने आ जाते हैं। और 5 गो बॉडीगार्ड लेकर और वो क्षेत्र में आ जाते हैं। आपको तो 10 गो बॉडीगार्ड लगेगा, पतले दुबले भी हैं। तो 5 गो बॉडीगार्ड लेते हैं, जब गाड़ी से उतरते हैं हाँ। तो आगे बॉडीगार्ड, पीछे बॉडीगार्ड, दाएं बॉडीगार्ड, बाएं बॉडीगार्ड। अरे जो आदमी अपना सुरक्षा खुद को नहीं कर पा रहा है वो जनता की सुरक्षा क्या करेगा? घंटा। तो इसलिए पार्टी को एमली बार जो भी कैंडिडेट आए उसको वोट मत दीजिए। एक बार बाजपट्टी प्रखंड में निर्दलीय के उम्मीदवार राधे श्याम कुशवाहा खड़ा होने जा रहा है भैंस बेच के अच्छा। एक बार आप लोग शांति पूर्वक से उनको जिता दिया जाए, अगला बार गाय बेचे इस बार भैंस बेच के चुनाव लड़ लेंगे। इससे आगे का भी कुछ उम्मीद है कि आप जो है मुख्यमंत्री का चुनाव बेचेगा तो घर बेच के लड़िएगा? नहीं, घर बेचेंगे कब, हम तो एमली बार ही जीतने जा रहे हैं, घर बेचने का कोई जरूरत नहीं हाँ। एमली बार हम जीत जाएंगे, पक्का जीत जाएंगे। आपके गांव में तो मारे विधायक का मारे कैंडिडेट घूम रहा है, हम खड़े होंगे नहीं, वो खड़ा होने से उसको क्या करेंगे हाँ। उसको कुछ नहीं मिलने वाला है हाँ। इसलिए जो पार्टी का जो भी कैंडिडेट खड़ा होंगे हाँ। वो तो रुपया वाले हाँ। और हम भैंस बेचने वाले हाँ। समझे हाँ।
तो वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ पार्टी को जो आदमी आता है उस क्षेत्र में खर्चा करते हैं, और हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख कर देंगे। 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख में भैंस 50,000 में बेचेंगे। 1 लाख रुपया जनता आश्वासन दिया है, जो हम कनेक्शन लेके आपको 1.5 लाख से इलेक्शन के कलेक्शन करके इलेक्शन में उतार लेंगे, समझे। तो वही 1.5 लाख रुपया लेके हम इलेक्शन के चुनाव लड़ेंगे। भैंस जो गाय जो आप बेची है, तो भाजपा वाले तो गाय के नाम पर जो है बहुत बार बोलते हैं कि भाई गाय काहे बेचे दिए, तो आपके ऊपर तो देशद्रोही का मुकदमा लग जाएगा। नहीं देखिए, भैंस तो किन बेच होता ही है, भैंस तो सर्वाइव नहीं रह गया जो एक ही आदमी रखेंगे। आज उसको घर जाना है, कल उसको घर जाना है, कल उसको घर जाना है, तो भैंस का किन बिक्री नहीं करेगा किसान तो फिर जिएगा कैसे, इसलिए कर भैंस बेच के किन बिक्री अपना जो है रोजगार चलाने के लिए। और आप तो लाल बत्ती के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं, लाल बत्ती के लिए नहीं कर रहे हम, तो यहाँ क्षेत्र को जो है जनता को यहाँ पर सुखी संपन्न काम करने के लिए भैंस बेचें। मान लीजिए कि विधायकी में जीत जाते तो सबसे पहला प्रयास क्या करेंगे? पहला प्रयास यही करेंगे जो घर पीछू एक आदमी को हम नौकरी देंगे। बांसपट्टी में सर 10 लाख जो है आप आबादी है पूरा लिखित तौर पर, कम से कम जो है तकरीबन 5 लाख घर होगा, तो 5 लाख रोजगार कैसे दीजिएगा सर? हम घर पीछू एक आदमी को नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। क्या चीज का नौकरी रहेगा? अब जो चीज का नौकरी हो जाए, भैंसी धुलवाने का नौकरी दीजिएगा तो वो नहीं, भैंस धुलवाने का नौकरी कैसे दे सकते हैं, नौकरी देंगे मगर। तो आप भी गरीब आदमी? हम भी गरीब आदमी। तो चुनाव लड़ने का कहे तैयारी कर? चुनाव लड़ने के इसलिए तैयार है जो यहाँ हमारे असंसन बहुत गरीब जो है ना फुटफाट पर रहते हैं, फुटफाट पर चलते हैं, तो उन लोगों का जो घर से बेघर हो गया है ना, उसको हम घर बना के रास्ता पर लाना चाहते हैं। तो आपका दिया तो लोग तो खुद आपके खिलाफ होगा, तो आप घर बना के किसको दीजिए? नहीं, खिलाफ तो ऐसे दूसरे के हित में है, लेकिन जब समय आता है तो मेरे पक्ष में आ जाता है। इतना ऊर्जा कहाँ से लाते हैं कि अब जिला परिषद हार गए आप जो है विधायकी लड़ेंगे? देखिए ऊर्जा हम तो कहे हैं नहीं, देखिए 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया विधायक के चुनाव में लगता है, लेकिन हम 1.5 लाख से चुनाव लड़ेंगे, समझा, उसमें ही हम जीत जाएंगे। अच्छा। तो अगर मान लीजिए कि आप चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर क्या इस चुनाव के बाद जो है मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं कुछ? देखिए वो तो सरकार का ऊपर हो सकता है, अगर 30,000 40,000 से जीत जाए तो हम दावा पेश कर सकते हैं मुख्यमंत्री का या कोई मंत्री का। अगर हम 1,000 वहाँ पर भी तो इंटरव्यू है ना, अब मान लीजिए जो लड़का फर्स्ट डिवीजन करेगा जो 30,000 40,000 से जीतेगा कोई 1,000 से जीता, तो 1,000 वाला अगर मंत्री का जो दावा करेगा तो उसको वहाँ पर नहीं चलने देंगे। नहीं 40,000 से हम जीत के आए, 1,000 वाला कैसे आगे बढ़ जाएगा? पहला आपके पूरा जो बाजपट्टी घूम रहे कितना गाँव है यहाँ पर? लमसम 50-55 गांव है, बाजपट्टी पंचायत है 55 पंचायत। तो क्या लग रहा है कि 55 पंचायत के लोग आपको नाम से जानते हैं? 55 पंचायत को नाम से जानते हैं, पूरे के पूरे नाम से जानते हैं। अच्छा। हर पंचायत में ऐसा नहीं है जो कोई हमको नहीं जानता। आप यहाँ विधायकी का दावा पेश कर रहा हो, आपके साथी एक तो नगिंदर जी हैं, वो कह रहे कि मुखिया लड़ेंगे। हाँ, तो उनको तो पंचायत भर जानता है ना, तब ना मुखिया लड़ेगा। हमको तो विधानसभा में 50 पंचायत जानते हैं, तब ना हम विधायक लड़ेंगे। विधायक लड़ जाएगा तो पहला गाड़ी कौन सा खरीदिएगा? बस हमको कोई गाड़ी वाड़ी खरीदना नहीं है। तो कैसे जाइएगा पटना? तो जाएंगे भाड़ा से जाएंगे। हम अभी भी भाड़ा से जाएंगे, जी जाएंगे भी भाड़ा से जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, इतना जो कुछ कर रहे थे महरारू आपकी नाराज नहीं है आपसे कि सब काहे कर रहे हैं सब? महरारू तो पहले नाराज हो जाती है, लेकिन जीत जाते हैं तो खुश हो जाती है। जीतने का अवसर कहाँ मिला आपको? जी तो इस मरतबा क्या लग रहा है कि कितने तैयारी से उतरेंगे मैदान में? तैयारी से तो अमरी हमको उम्मीद लग रहा है जो कम से कम वही रखिए ना, उम्मीद हमको जैसे लग रहा है जो हम 30,000 या 35,000 से हम वोट जीत जाएंगे। मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है बिहार में? नहीं, शायद नहीं है अभी। अभी नहीं है? नहीं है। अच्छा तो एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि भाजपा का विधायक अगला बार मुख्यमंत्री होगा, अगर तेजस्वी जी आपको टिकट दे दिए तो क्या तेजस्वी जी के साथ जाएंगे आप? तेजस्वी जी के साथ जाएंगे, लेकिन टिकट देगा तब ना जाएंगे। अगर नहीं टिकट देंगे तो जाएंगे, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो हम निर्दलीय से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जी। पहला टिकट पार्टी का प्रेफरेंस क्या है? अगर पूछा जाए कि पहला पार्टी कौन सा चुनेंगे इलेक्शन लड़ेंगे, तो किस कौन पार्टी का नाम मन में आ रहा है? देखिए उनका पहला जो पार्टी हमको जो पूछेंगे, हमको जो पार्टी पूछेंगे हम उसी के साथ ना लड़ेंगे। अच्छा, और असदुद्दीन ओवैसी अगर आपको दे दिया तो उसे भी लड़ेंगे? अच्छा। हमको तो जो पार्टी पहचानेगा देगा उसी के साथ लड़ेंगे ना। अच्छा। अगर कोई नहीं जानेगा नहीं देगा तो हम तो जीत जाएंगे, हम तो निर्दलीय से ही लड़ जाएंगे। तो क्या लग रहा है बिहार कब विकसित बनेगा, शिक्षित बनेगा? जब हम जीत जाएंगे तब।
बोले बाबा, आपके साथ ही बिहार विकसित और शिक्षित बने जी। और इतना सारा जो मंत्री लोग घूम रहे हैं, ना ना सब तो ऐसे भूसे के तरह बोल रहा। बात है, अभी कितना रिश्तेदार है आपके पास? हमारे पास अभी रिश्तेदार का कमी कहाँ है, ये तो 40 साल पहले तो जानवे करते हैं, तो जो बिहार का आबादी था। आपका रिश्तेदार कै गो? हमारा रिश्तेदार कम से कम 15 गो होगा। 15 गो तो विधायकी जीत जाएगा तो 50,000 रिश्तेदार हो जाएगा। वो 15 को भी छोड़ देंगे, 15 को भी छोड़ दीजिएगा। हमको तो देखना है क्षेत्र के आदमी के, रिश्तेदार का थोड़ी देखना है। रिश्तेदार के वो आदमी देखते हैं ना जो देखने वाला है, दौड़ के इधर पार्टी से उधर जाए, उधर पार्टी से उधर जाए। सवाल है कि बिहार में ना जमीन बेईमानी का बड़ा मसला है, तो उस पर क्या कुछ मतलब के कानून बनाने का जो है विधानसभा में आवाज उठाएंगे? हम सब कुछ उठाएंगे, जीतने के बाद सब कुछ उठाएंगे। अब जैसे देखिए अभी खेत सूख रहा है, और सरकार देखिए जो नल जल योजना चला दिया। अच्छा, खेत में पानी नहीं है, गाँव में पानी है, जिधर से नल फूट जाता है रोड पर इतना पानी लगा हुआ, अब खेत में दराज फटा हुआ। तो ये नल जल से अच्छा जो होता ना, जो अगर पांच को कहीं पर हर पंचायत में स्टेट बॉन्डिंग करवा देता तो उससे तो राहत मिलती। अभी से पीने के पानी दिया है, पानी कोई पी ना रहा है, रोड पर बौछार मार रहा है पानी, धान सूखा पड़ा है, इस पर सरकार कोई इस पर। अच्छा, ये आपके क्षेत्र में लड़का लोग का शादी भी नहीं हो रहा है, बहुत सारा ऐसा है, तो उसके लिए कुछ लड़की वड़की का जो है सरकार को बोलेंगे कि इंतजाम करवाई भाई जल्दी जल्दी ब्याह हो? अभी तो देखते हैं जो सरकार का नियम था जो लड़की को 18 साल के बाद शादी करना है, दहेज प्रथा बंद कर दो। दहेज प्रथा बंद हो नहीं रहा है तो सरकार कहेगा ये बंद कैसे होगा दहेज प्रथा, लड़की को शादी अब कहता है 21 साल के बाद करना, तो 12 साल में ही भाग जाता है लड़के के साथ। लड़के के साथ तो दहेज प्रथा तो अपने बंद हो रहा है। अच्छा, आप अपने बेटा का ब्याह कीजिएगा तो कितना दहेज लीजिएगा? हम बेटा को तो हमारा बेटा फ्री में कर लिया शादी, कर लिया। हाँ, आपको भी नहीं बुलाया? नहीं, हमको भी नहीं बुलाया। और आप अपना ब्याह किए तो कितना दहेज लिए थे? हम कुछ भी नहीं लिए थे, हमारे शादी में तो 5,000 रुपया खर्चा हुआ था आपका, पूरा भोज भात सब हो गया उसमें। जो भैंसी का ख्याल रख रहे जिसको बेच के आप विधायक लड़ेंगे, क्या करेंगे उसको? अच्छा, अभी आप मान लीजिए कि 1-1.5 लाख आदमी जो है मेरे चैनल पर आपका वीडियो देखेंगे, तो मान लीजिए बाजपट्टी के भी कई सारे लोग देखेंगे, तो क्या लग रहा है कि उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको तो लग रहा है जो किसी तरह आबे, या पार्टी टिकट ना दे तो निर्दलीय से आबे, लेकिन आबे। हाँ, एमजी पक्का है जो जीत हमारा। तो गांव का आदमी सब तो बहुत जल जाएगा। जलेगा नहीं, हाँ। वो तो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, लेकिन समय आने पर सब हमारे जैसे कर रहा है। हाँ, इतना शक्ति कहाँ से लाते अपने अंदर? देखिए, शक्ति और दौलत, दौलत से ज्यादा अहम शक्ति होता है। अगर शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, समझे? और दौलत जो है, हाँ, वो तो एक पानी है, कब है कब नहीं है उसका कोई ठिकाना नहीं, और हम दौलत कमाना नहीं चाहते। हाँ, सेवा करना चाहते हैं। लालू जी अच्छे आदमी है? लालू जी भी अच्छे हैं। लालू जी है जी। चलिए, तो क्या लग रहा है हम आजादी का अमृत महोत्सव के लिए क्या कुछ तैयारी किए हैं आप? आजादी के वहाँ तो आज तो झंडा उंडा फहराए किए हैं, देखते हैं। 15 अगस्त को फहराया? नहीं, तो शुरू तो आज से है। हाँ, आज से शुरू है झंडा फहराना, तो अब सब दिन झंडा फहराना। कोई बात बता दिया ना कि विधायकी लड़ने जा रहे 25 में? हाँ, वो बताया है, लड़ सकते हैं। हाँ, तो जेवर पर रखी हुई है कुछ बेचने? नहीं नहीं, जेवर का है बेचेंगे। हाँ, जेवर नहीं बेचेंगे, वो कहे ना भैंस बेचेंगे और उसी से लड़ेंगे। ठीक है, तो लगातार जो है बिहार में बहुत बहुत बहार है, और बिहार में कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी क्योंकि सरकार बदल गई। राधे श्याम जी है, इनका ये मानना है कि हम जो है इस मरतबा विधायकी लड़ेंगे, जो पार्टी इनको टिकट देगा उन्हीं के साथ ही लड़ेंगे, इनका अपना कोई पार्टी वार्टी को लेकर कोई सिद्धांत नहीं है। और इस बार ये निश्चित कर रहे हैं कि 40,000 से अगर जीत गए तो नीतीश कुमार के लिए थोड़ा सा डगरगाने वाली बात है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का दावा भी पेश कर सकते। देखते हैं कि अभी चुनाव जीतने में, चुनाव लड़ने में काफ़ी समय है, इनके बीच इनका क्या प्रयास रहता है। बाजपट्टी के लोग अगर देख रहे हैं तो जब कभी निर्दलीय लड़ेंगे वोट इनको जरूर दीजिए, क्योंकि वोट तो आपका वैसे भी बर्बाद हो जाना है, तो कम से कम एक बार इनके नाम पर बर्बाद करके देखिए। रजान सारी की रिपोर्ट सीतामढ़ी से द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।